कैसे हो अबोध बालक और बालिकाओं, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनबी पाठशाला प्रेजेंट टाइम में। जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। यहां पे हम बात करेंगे सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि मैंने आप लोगों को एडमिट कार्ड वाले वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 6 और 9 दोनों के लिए। अरे में सैनिक स्कूल का मॉडल पेपर हम देखेंगे जीके के लिए, यानी जो जनरल नॉलेज के लिए आता है, सोशल स्टडीज से क्वेश्चन उसी को हम देखेंगे। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगा, ताकि वो भी देख सकें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तब नीचे कमेंट करके पूछना। और जेएनबी पाठशाला को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जेएनबी पाठशाला से जुड़ जाइएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा एक रूल समझ लो इस गेम का। रूल यही है कि आपको हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, यानी रोक सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस को अपने शुरू करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत 1984 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब बोल रहा है कि जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 के समय, वो किस स्थान से संबंधित है। तो वैसे तो आपको अगर कुछ हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, या अगर आप इंडियन आर्मी, वैसे शायद ये चीज आपको पता है कि ये चीज जो हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था, जिस समय कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज दे देता हूँ कि ये जो 1984 दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल 1984 के दिन ये सभी चीज़ें हुई थी। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। आप ध्यान देना, इंदिरा गांधी 1984 में पीएम थी और उसी समय कुछ ही महीनों के बाद से इनका देहांत हो गया था। और 1984 में ही अक्टूबर के मंथ के समय में राजीव गांधी पीएम बने थे हमारे कंट्री का। यानी ये जो 1984 है ये कई मुद्दों से महत्वपूर्ण है, तो इस डेट को आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। अब सेकेंड क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है विच इंडियन कंपनी मैन्युफैक्चर K9 वज्रा टी हॉरिस्टर इन इंडिया। ये बोल रहा है कि एक वेपन का नाम है, यानी एक गन का नाम है एक प्रकार का, जो एडवांस लेवल पे काम करता है। तो ये बोल रहा है कि ये कौन सी कंपनी इंडिया में बनाती है इन ऑप्शनों में से। तो शायद ही आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये बनाती है लॉर्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी। ये जो लॉर्सन एंड ट्यूब्रो कंपनी है ये महाराष्ट्र में है, यही इस वेपन को बनाती है, जो कि मतलब आर्मी मिलिट्री के वर्क में लाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जो सैनिक स्कूल में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो डिफेंस सेक्टर से आता है, इसलिए मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं अप्रोक्स सभी के सभी डिफेंस सेक्टर से ही बनाए हैं। ये आपके लिए काफ़ी बड़ी बात है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लो ताकि आप एग्जाम में क्वालिफाई हो सको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर टू स्टेट। एक स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी एज की होनी चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यूनतम एज है वो 25 ईयर्स है, यानी जो भी बंदा 25 ईयर्स का है और वो भारत का नागरिकता उसको प्राप्त है, नेशनलिटी, उसके बाद से वो किसी एक जगह से अगर MLA है तो चाहे तो बन सकता है। और ये सीएम के ऊपर एक काफ़ी अच्छी मूवी भी है, सीएम भरत, महेश बाबू की है, साउथ में, आप चाहो तो देख भी सकते हो। वहाँ पे सीएम के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे रूप से दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। क्वेश्चन में बोल रहा है FRS स्टैंड फॉर, ये जो FRS है इसका फुल फॉर्म क्या होगा। लेकिन अगर आपने FRS का फुल फॉर्म गूगल पे सर्च किया है तो बहुत अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे गूगल से नहीं अपने ऑप्शंस पे इसको बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जितने भी तीन ऑप्शंस दिए हैं ये तीनों में FRS हो रहा है, यानी इसका एक्चुअल अब मीनिंग क्या होगा जो राइट है इन तीनों ऑप्शनों में से। अब हमको FRS का ई जो ऑप्शंस दिया है ये चार गो, इन्हीं चारों में से ढूंढना है कि FRS का करेक्ट फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको बता दूं FRS का जो फुल फॉर्म है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी है। अब फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज देता हूँ। ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी जो है ये एक अवार्ड है जो लंदन के जजों के द्वारा दिया जाता है। लेकिन किन लोगों को दिया जाता है, जो मैथ के फील्ड में या टेक्नोलॉजी के फील्ड में या साइंस के फील्ड में
कुछ भी नया इन्वेंशन करते हैं उन्हीं लोगों को लंदन के जजों के द्वारा ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी अवार्ड दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये देखने में जितना इजी है उतना है नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। अब बोल रहा है कि जो विजय सिंह है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, जो गोल्फ के प्लेयर है, काफी ये फेमस प्लेयर है। अगर आपको स्पोर्ट में रुचि होगा तो आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो वैसे अब इनका नाम विजय सिंह है, तो वैसे तो नाम से ही लग रहा है कि ये इंडिया के होंगे। वेल, अगर आपने भी इंडिया चुना है तो ये गलत है, ये इंडिया के नहीं है। अब ये इंडिया के तो है नहीं, यूके के भी होंगे नहीं और यूएसए के भी होंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों कंट्री में तो नाम अलग अलग होता, लेकिन एक कंट्री बचा है हमारे पास, फिजी। तो ये एक फिजियन है, क्योंकि फिजी में भी कुछ इंडियन नाम्स मिलता जुलता है, और ये एक इंडो फिजियन है, यानी इनके मदर या फादर में से कोई ना कोई इंडिया से बिलोंग किया है या इनके किसी न किसी फैमिली से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन करंट अफेयर के बेस पे है, तो इसको थोड़ा आप अच्छे से सॉल्व करना। क्वेश्चन में बोल रहा है विच इंश्योरेंस पॉलिसी इज लॉन्च्ड टू कवर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंशन टू कोविड-19 पेशेंट। अब बोल रहा है कि कोविड-19 के जो रोगी हैं, जो अस्पताल में खर्चा होता है, उनको कवर करने के लिए कौन सी बीमा पॉलिसी शुरू की गई थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया है, तो इसमें से ये तीनों नहीं होगा, ये LIC जीवन सरल भी नहीं होगा, जीवन सरल भी नहीं होगा और जीवन आनंद भी नहीं होगा, क्योंकि ये LIC जो जीवन सरल है और जीवन सरल है, ये दोनों एक ही चीज है, बस आपको थोड़ा सा घुमा करके दे दिया, और LIC जीवन आनंद भी नहीं होगा, और यहाँ पे बात भी किया जा रहा है अस्पताल से रिलेटेड। अगर आपने न्यूज देखा होगा तो आपको पता होगा ये आरोग्य संजीवनी बीमा पॉलिसी को शुरू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन काफी ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है बड़े बड़े। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। अब बोला कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो यजुर्वेद है, अर्थवर्थ वेद है और साम वेद है, ये तीनों वेद हैं, तो शायद आपने अगर वेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वेद से तो नहीं लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अगर आपको फिल्मी दुनिया से लगाव है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। विच मूवी इज टू बी द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म टू गो टू द प्लास्टिक फ्री। प्लास्टिक मुक्त होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म कौन सी है, इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो शायद इसका आंसर आपको पता भी है कि कुली नंबर वन जो 2020 में रिलीज हुआ है वो प्लास्टिक फ्री मूवी है, जिसमें प्लास्टिक यूज नहीं हुआ है। तो आपका कितना नंबर आया नीचे कमेंट करना, और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था ये भी नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक कर लो ताकि आप फिर से रिवीजन कर सको। उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने जेएनबी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेएनबी पाठशाला को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।